शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया बालम आओ हमारे देश। अरे ढीसू ठीक से देख, कटे रखे थे तूने पैसे? जी जी, मैंने पैसे अट्ठे रखे थे, पर अट्ठे से ही गायब हो गए। जी जी, मैं आपकी कसम खाकर बोल रहा हूँ, मैंने पैसे अट्ठे रखे थे। क्यों गए? आटे से कोई हमारी थैली ले गया। आपने देखा किसी को थैली उठाकर? अरे वो डॉक्टर सामने घर जानो है, क्यों इतनी देर लगा रही है पीसा लेके आने में? क्यों हो गयो? माँ, रुपए चोरी हो गए। रुपए चोरी हो गए? अबे इनका इलाज कैसे होगा? सामने आपने देखा किसी को थैली उठाते हुए? भाई साहब हमारे पैसे चोरी हो गए हो, बैठे रखे थे, आपने देखे थे ना उस डिब्बे में? आप हमारे बापू को भर्ती कर लो। तो जा, पहले पैसा लेकर आ जा। माल के ला रख सकती थी पीसे को, अब कैसे होगा घीसू के बाबू का इलाज? अरे क्यों मारा इलाज वास्ते इतना परेशान हो रही है? मारो बुलावा आ गयो है, इसलिए तो अठे रखा, रुपया गायब हो गया। रुकवी घीसू, चलो जितने भी दिन जीना है किसी भी तरह जी लूंगा गाँव में। चलो सब घर चलो। आप बैठो, आपका इलाज होगा, मैं रुपये को इंतजाम करके आऊँ। किसी ध्यान दो, संभाल के जे मैंने पहले ही कंगन बेच दिए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पर मैं अब कब गांव पहुंचूंगी, कब कंगन बेचूंगी और कब रुपए लेकर पहुंचूंगी? तब तक तो अरे बापू, हे कानदा, के करूं मैं? रास्ता दिखाओ मारी को। मैं रसाल ने फोन करूं? हाँ, शायद रसाल उठ गई होगी, अब तक वो ही कुछ रुपए भिजवा सके है। कौन फोन कर रहा है इतनी सुबह? हेलो रसाल। हेलो। माफ करना ठाकुर साहब, मैंने आपको इतनी सुबह जगा दियो, बड़े रसाल से बात करनी थी। एक मिनट। सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? कुछ ठीक ना है ठाकुर साहब, बापू को हम लोग सुबह तड़के अठे अस्पताल लेके आए तो। अरे बताओ भी, हुआ क्या है? अठे अस्पताल में हमारे पैसे किसी ने चोरी कर लिए। भिजवा देते तो हम लोग अठे मानसिंह अस्पताल में हैं। ठीक है, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं पैसे लेकर आता हूँ। मैं आपको ये उपकार जीवन भर ना भूलूंगी ठाकुर साहब। हाँ ठीक है रुक्मी, अब तुम फोन रखोगी तब तो पैसे लेकर आऊंगा ना।
इतनी सुबह सुबह इकट्ठे जा रहे हैं? रोक दो ताईसा। थारा सब काम शुभ मंगल। ताईसा आज इतनी सुबह आप यहाँ? अब क्या बताऊं बेटा, आजकल मारे को नींद ना आने की बीमारी हो गई है। मगर तू इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहा है? अच्छा, मूमल को पगफेरे की रस्म के लिए लेने जा रहा है। ताईसा मैं रुक्मी से मिलने जा रहा हूँ। अभी अभी उसका फोन आया था, वो लोग सुबह तड़के ससुर साहब को हॉस्पिटल लेके गए थे। उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, काफी नाजुक स्थिति में। ताईसा अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं आकर आपको सब कुछ साफ साफ बताता हूँ। अरे रसाल के बापू इतने बीमार है और तू उसे साथ लेके ना जा रहा है? हाँ ताईसा, वो रसाल इस वक्त सो रही है और आप तो जानती है ना, बापू की खबर सुनते ही वो कितना फिक्रमंद हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी हालत में वो किसी भी बात की टेंशन ले, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। हाँ रणवीर बेटा, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। इस वक्त रसाल और उसके बच्चे के लिए टेंशन लेना बिल्कुल अच्छा ना है। ताईसा, हाँ बेटा, अगर रसाल कुछ भी पूछे मेरे बारे में तो आप उसे कह दीजिएगा कि मैं ऑफिस गया हूँ किसी अर्जेंट काम से। मैं लौट कर आऊंगा ना तो उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अरे बिल्कुल सही रणवीर बेटा, मैं वैसे भी ऐसा कोई काम ना करूं जिससे किसी को टेंशन हो। तू जा, जा मैं बोल दूंगी रसाल को। जी थैंक्स ताईसा, मैं चलता हूँ। पूरी रात भर जागने और सुबह जल्दी तैयार होकर बैठने का कुछ तो फायदा हुआ। मारे को बोल कर गयो है कि रसाल को मत बताना कि मैं रुक्मी के पास जा रहा हूँ। यो तो वही कहावत हो गई, दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को वटे छोड़ गयो। दूध नहाओ, पूत फलो। रात की नींद अच्छी हुई? मैं चाय बनवा रही थी, आपके लिए भी बनवाऊं? पीनी, आज तो चाय थारे को ही बनानी पड़ेगी। ठीक है मासा, मैं बना दूंगी। ठीक है पीनी, जब तक तू चाय बनाए तब तक मैं अपने घुटने की मालिश करके घर की साफ सफाई कर लूं। क्यों मासा, आप क्यों करेंगी साफ सफाई? नौकर चाकर कहाँ है? अब के कहे, कहते हुए भी शर्म आवे है। हुआ क्या मासा? अरे सारे कामचोर बोलने लगे, इतने अमीर घराने की बहू लाए हो, हमारी तनख्वाह चार गुना बढ़ा दो। मैंने भी गुस्से में कह दिया कि एक पैसा ना बढ़ाने वाली, तो उन लोगों ने कहा तो कल से हम काम पे ना आवेंगे। और देखो ना, आज से सचमुच कोई काम पर ना आए हो। अब जब तक घर के दूसरे नौकर ना मिल जावे तब तक हमें खुद ही सारो काम करना पड़ेगा। तू जा बिन्नी, चाय बना ले, मैं घर की साफ सफाई करूं। आप क्यों करेंगी घर की साफ सफाई? मैं हूं ना, मैं कर दूंगी। अरे ना ना बिन्नी, कल ही तो थारो ब्याह हो, आज ही थारे से काम करवाऊंगी तो पाप लगेगा मारे को। मासा, अब ये घर मेरा भी तो है ना, और अपने घर का काम करने में कैसा पाप। चलिए आप बैठिए, अब मैं पहले घर की साफ सफाई कर देती हूँ, फिर चाय बना दूंगी। हाय, देखो तो कितनो दर्द हो रहे हो मारे पैर में। मासा, मैं मालिश कर दूं आपके पैर की? नाना बिन्नी, ये तू क्या बोल रही है? मैं थोड़ी देर में अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखा दूंगी, और बेटा हो सके मारे को लौटने में थोड़ी देर हो जावे तो तू दिन का खाना बना लेगी ना? हाँ हाँ मासा, क्यों नहीं। और वैसे आज तो थारे भाई साहब भी आने वाले हैं, थारे को पग फेरे की रस्म वास्ते ले जाने को
उसके लिए भी कुछ अच्छा सा बना लेना। जी मासा। अब तू एक काम कर, तू पहले सबके वास्ते चाय बना ले, फिर घर की साफ सफाई करके दिन का खाना बना लेना। जी मासा। सचमुच माताजी महाराज ने साक्षात अन्नपूर्णा को भेजियो है हमारे घर में। जीतने वाली कलाकारी तो मैं देख चुका, पर मारे को एक बात बता कि सच में घर के सारे नौकर चाकर काम छोड़ के चले गए के? ना ना, मैंने सबके हाथ में 6 महीने की तनख्वाह थमाकर सबको चल तो कियो है। अरे के पता किसी ने मुमल को बता दिया कि हम किसी को 6 महीने तक तनख्वाह भी ना देते थे? पर घर के काम काज के वास्ते किसी और को तो रखना ही पड़ेगा ना। अरे आजकल इतने आसानी से काम करने वाले कहाँ मिलते हैं, और वैसे भी हमारे घर में है ना अमीर घराने की नौकरानी, करेगी सारे काम। मारे वास्ते एक कप चाय मिलेगी? आती होगी बीदने के हाथ की। कजरी तुड़े था ताई साहब, आप अठे भंडारे में कुछ चाहिए थारे को? बींदरी दूध चाय कॉफी तुम्हारे को बता दे, मैं थारे कमरे में ले आती हूँ। या आप क्या बोल रही है ताईसा? मैं तो कजरी से ठाकुर साहब के बारे में पूछने आई थी, वो सवेरे सवेरे हमारे को बताए बिना पता नहीं कट्ठे चले गए। अब रणवीर पर और लोगों के भी तो हक है ना। ताई साहब मैं समझी कौनी आपको बोलने को के मतलब है? बिंदनी यही तो हमारी बदकिस्मती है, सब इस घर में हरी बात का मतलब निकालने बैठ जावे। मारे कहने का मतलब था कि रणवीर पर उसके कर्मचारियों का भी तो हक है। सुबह कोई जरूरी फोन आया था और तू गहरी नींद में सो रही थी, वो ऑफिस चला गया। क्यों बिंदनी थारे को क्या लगा रणवीर और कटे जा सके? पर ताई साहब आपको सवेरे सवेरे भंडारे में काम करने की क्या जरूरत है? और के करूं बिंदी, रुक्मी को भी कल रात ही जाना था, अब कजरी अकेली कितना काम करेगी? अठे भी मारी ही किस्मत खराब है, थारे बापू को भी कल ही बीमार पड़ना था, अब होनी को कौन टाल सके? वैसे भी कभी कभी घर की बिंदनियों को भी नौकरों की जगह काम करना पड़ता है। वो गायत्री जी वो तो अपने कोप भवन में बैठी होंगी, और कमल कभी मेघसा को और कभी मुमल को सोच सोच के रो रही हो, और मारी बिंदनी पद्मा वो तो कभी जल्दी ना उठ सके, और थारे को आराम करना जरूरी है। अब मैं ही तो बची हूँ ले दे के रुक्मी की जगह काम करने वास्ते, तू जा बिंदनी आराम कर, मैं कचरी के साथ सारा काम कर लूंगी। ताई साहब आप हटो मैं करूँ सारो काम, जे किसी ने जीजे की जगह लेनी है तो मैं लूंगी। ना ना बिंदनी, अगर घर में किसी को पता चला कि मैंने थारे को भंडारे में काम करने दिया तो सब भारे को चार बातें सुनाएंगे। तू जा बिंदनी मैं थारे को अठे काम करने ना दूंगी। ताईसा कुछ ना होवेगा मारे को, आप हटो मारे को भंडारा संभालने दो। देख बिंदनी जिद ना कर, वैसे भी आजकल हमारे दिन खराब चल रहे हैं, 4 साल हो गए पद्मा के ब्याह को पर वो मां ना बन सक रही, और तू तो इस हवेली को वंश देने वाली है, थारे को तो रणवीर और घर वाले अपने सर आंखों पर बिठा कर रखे, क्यों तुम हमारे को चार बातें सुनवाना चाहती है? जमाना बदलते देर ना लगे बिंदनी, वो दिन और थे जब दीप हमारे पेट में था, हमारे को तो तब भी भंडारे का और घर का सारा काम करना पड़ता था। अरे तू तो बड़ी किस्मत लेकर आई है, जा जा तू आराम कर मैं सारा काम देख लूंगी।
ताईसा ये काम मेरे को करने दो, आप जाओ अच्छे से। देख ले बिंदनी, बाद में मारे को कोई कुछ ना सुनाए। कोई आपको कुछ ना सुनावेगा, आप जाओ। ठीक है। वाह, हमारी मीठी छुरी इतनी तेज निकलेगी, अब यकीन हुआ हमारे को। हेलो खड़ी खम्मा जी, मैं रसालरी माँ बोल रही हूँ। खम्मा खड़ी, समधन सा संधी सा की तबीयत ठीक तो है ना? ना जी, इसी वास्ते रसाल से बात करनी है। पर वो तो अठे ना है, आप मारे को बता दो। कैसे बताऊं इन्हें कि मारे को रुपए की जरूरत है? की हुआ? आप कुछ बोल क्यों ना रही जी? अगर आप रसाल को बुला देते तो बहुत मेहरबानी होती। अब के बताऊं समधन सा, जब से रुक्मी गई है तब से सारा काम रसाल को करना पड़ रहा है, और अभी तो उसे आराम करने की सख्त जरूरत है। हे भगवान, वो ऐसा क्यों कर रही है? ये तो उसके होने वाले बच्चे वास्ते ठीक ना है समधन जी। अब रसाल है भी तो जिद्दी, कह रही थी कि रुक्मी जीजी का काम अगर कोई करेगा तो मैं ही करूंगी। आप उसे भंडारे से निकालो ना, मैं उसे समझा दूंगी। मारी छोरी मारी बात जरूर सुनेगी, उसका आराम करना बहुत जरूरी है। आप उसे कह देना मैं थोड़ी देर बाद फिर फोन करूंगी। हाँ हाँ, क्यों ना समधन सा, जरूर करिएगा। मैं तो खुद भी ना चाहूँ कि रसाल ऐसा कोई काम करे जिससे उसके होने वाले बच्चे को कोई तकलीफ हो। मैं फिर से समझाती हूँ उसे। खम्मा गणी गणी खम्मा। हॉस्पिटल के डायरेक्टर आए, आप उनके पास जाओ, अगर वो बोलेंगे तो तुरंत भर्ती कर लिया जाएगा। आप इधर से जाओ, कॉरिडोर के बाई तरफ का पहला रास्ता है। डॉक्टर साहब, बहुत सुना है इस अस्पताल के बारे में कि अठे आके मरीज भला हो जावे, पर यूं कैसे भला हो रहे हो? जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और उनको कोई भी भर्ती ना करा रहे हो। आप लोग भगवान का दर्जा दे दे, पर यो कैसा मंदिर है हाँ, जहां एक आदमी दम तोड़ने की कगार पर खड़ा है और किसी को उसकी परवाह तक ना है। अरे पैसे लाए थे हम, चोरी हो गए, अभी भी इंतजाम करवा रहे हैं ना, मिल जाएंगे आपको पैसे। कि इंसान की जिंदगी से ज्यादा पैसों पड़े हुए आप लोग वास्ते? आप तो यहाँ के डायरेक्टर साहब हो ना, जी आप बोल दो कि तुम्हारे बापू को भर्ती करा लेंगे। अरे बापू की जान बचा लो, बचा लो हमारे बापू को। क्या हो रहा है मेरी केबिन में? और ये लड़की मेरे नाम पर तुमसे इस तरह क्यों बात कर रही है डॉक्टर राठौर? कौन है ये? सर, इसका नाम रुक्मी है।